आजकल मैं इस साड़ी के साथ वीडियो जो अपलोड करी थी ज्वेलरी अनबॉक्सिंग की, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और आप लोगों ने बोला कि मैम इसी तरह से मतलब बैठ करके और वीडियो बनाने का तरीका सही है और आपके पैर भी दर्द नहीं होंगे और आप आराम से बैठ करके अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बना लेंगे और तरीका भी बहुत अच्छा है। तो अच्छा लगा मुझे भी कि चलो आप लोग भी मेरे बारे में सोचते हो। बहुत से लोग पूछने लग जाते हैं कि मैम आपके पैर में क्या हुआ, क्यों दर्द हो रहा है। और एक मुझे किसी सिस्टर ने जवाब भी दिया था, जब मैं अपने पैर में पत्ते लगा करके गई थी ना उस वक्त 10 मई को शॉपिंग करने अक्षय तृतीया के दिन, तो धतूरे का पत्ता लगाई थी, तो आपने बोला था मतलब उन्होंने कहा था कि हल्दी और सरसों तेल मिक्स करके और पत्ते में लगा करके और फिर पत्ते को हल्का सा सेक के आग में और फिर पैर में लगाने से ज़्यादा जल्दी पैर के दर्द में आराम मिलेगा। तो थैंक यू आप मुझे बताए हैं। अभी तक तो ये तरीका मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं वहाँ पे अभी तक मंदिर नहीं गई हूँ, क्योंकि इधर भी इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना कि जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, हिम्मत ही नहीं होती है। और बच्चों की छुट्टी हो गई है तो बच्चे घर पे हैं, तो जब बच्चे घर पे हैं तो फिर मंदिर भी जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बच्चे भी ज़िद करने लगते हैं जाने के लिए। तो जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे पत्ते वहाँ से ही मिलेंगे, मंदिर के बाहर से ही। तो आज दोस्तों मैं अपने पैर में एक टोरिंग पहनने वाली हूँ जो कि आर्टिफिशियल है, काफ़ी पहले से मेरे पास थी और सोची आज क्यों ना पहनूँ इसको। थोड़ा सा ये एंटिक पीस जैसे होता है वैसा है ये वाली टोरिंग। पता है मैंने कहाँ से ली थी? काफ़ी साल पहले मैं अपने ससुराल में ली थी और उस वक्त मैंने ये बिछिया ली थी जब मतलब हम लोग का गांव में भी घर नहीं बना था, मकान पक्के का, तब का ये बिछिया है। 20 रुपये की पड़ी थी, 20 या 25 की, बहुत ही अच्छी है। अभी तक ना इसका कलर ख़राब हुआ है, ना स्टोन ख़राब हुआ है, सब अच्छा है, कहीं से ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा, बहुत ही मजबूत है। ये एंकलेट्स पता है मैंने एक दुकान से ली थी जहाँ पे ये मुझे 60 रुपये में पड़ी थी। जब भी इसको पहन करके मैं निकलती हूँ ना तो लोग पूछते हैं कि ये पायल आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, कितने में ख़रीदी हैं? तो मैं बताती हूँ कि आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल है, लगता ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, उनके कज़न या फिर कोई रिश्तेदार या फिर जान पहचान में कुछ लोग ऐसा ख़रीदे हैं चांदी में ही, तो बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा ही लेना है काले मोती में ताकि नज़र ना लगे। तो मुझे लगा चलो कुछ तो मैंने अच्छा चीज़ ख़रीदा है और चांदी की लग रही है, नहीं तो जब मैं इसको पहन के निकलती हूँ कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि अरे कोई देखेगा तो कहेगा कि ये बाज़ार वाला पहन के चल रही है, इसके पास चांदी के पायल क्यों नहीं है। बहुत सारे मन में सवाल आते हैं ना जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन निगाहों से लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल पायल क्यों पहन रही है। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे हस्बैंड मेरी पायल बदलने को लेकर के मार्केट मुझे लेके ही नहीं जा रहे हैं, ना खुद बदल के ला रहे हैं। मैंने तो उनको कह भी दिया कि देखिए मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ले जाना यानी दो बच्चों को भी टांग के ले जाना। तो मैं उनको सीधा सीधा बोल दी, देखिए मुझे कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं चाहिए, आप बस मेरी पायल वापस ले जाइए जो दिल बना हुआ था और उसमें मेरे हस्बैंड का नाम भी था दीपक लिखा हुआ। मैं बोली आप इसको वापस दुकान ले जाइए और इसको बदल के एकदम सिंपल बस प्लेन पायल लेकर के आइए, एकदम चिकना प्लेन। तो उन्होंने कहा कि अभी देखूंगा, बाद में चलूंगा, अभी टाइम नहीं है। अब पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पता है पायल अगर वो लेकर के जाएंगे ना तो उसमें कुछ पैसे भी लगाने पड़ेंगे तभी मेरी पायल आएगी, तो बस इसलिए वो नहीं लेकर जा रहे हैं कि अरे मेरे पैसे लग जाएंगे। और मेरे यूट्यूब की जो पेमेंट है वो अभी आने वाली है नहीं, मेरी लास्ट पेमेंट यूट्यूब की अप्रैल में आई थी, आखिरी अप्रैल में, जो मैंने कूलर ख़रीदा था। और अभी फ़िलहाल जो पेमेंट मेरी आने वाली है वो लास्ट जून में आएगा। तो देखिए आपके पास जब ये वीडियो जा रही है तो आप समझ जाइएगा कि लास्ट जून में मेरी पेमेंट आएगी, तो तब तक शायद मुझे लगता है कि 2 महीने मैं इंतज़ार करूँगी अपने पायल ख़रीदने के लिए। तो यही पायल पहन करके काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है इसलिए मैं ब्लैक कलर की एंकलेट्स पहन ली, और ये एंकलेट्स मैं हमेशा अपने फ्रिज पे रखती हूँ, जब वीडियो बनाती हूँ ज़रूरत होती है इस पायल की तो पहन करके बनाती हूँ, फिर वापस खोल के रख देती हूँ, क्योंकि ये ना साड़ी में या फिर कपड़े में बहुत फंसता है, इसकी तार बहुत जगह से निकल गई है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का ये भी आया था कि मैम सच बता रहा हूँ आप ये पायल मत पहना करिए, ये आप पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप चांदी की पायल पहनिए जिसमें घुंघरू हो, थोड़ा डिज़ाइन हो। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं तो पायल ही नहीं पहन रही हूँ, इसलिए
क्योंकि मेरी पायल अभी ख़राब हो गई है, वो मतलब टूटी नहीं है, उसका डिज़ाइन कहीं कहीं से टूट गया है ना, तो तार रह गया है और वो इतना नुकीला है ना कि अगर पैर से पैर टकराता है या पैर के पायल के ऊपर पैर रखाता है ना तो वो चुभ सकता है मुझे। बस इसीलिए ना मैं पैर वगैरह मतलब अपना बचाने के चक्कर में उस पायल को नहीं पहन रही हूँ, नहीं तो अभी भी उसको पहन लूँगी ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि कहीं से टूटा है या फिर ख़राब है, क्योंकि इतना लोग ध्यान ही नहीं देते हैं ना कि आपकी पायल कैसी है। अच्छा आप लोग बताइए, क्या मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ लॉन्ग मतलब लंबे साइज़ में वीडियो बन रही है, तो क्या ये सही है या फिर यूट्यूब जिस हिसाब से वीडियो के लिए ऑप्शन देता है चौड़े में, क्या वो सही है? तो मैं मुझे किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए? इस तरह से बनाने पे ना मतलब मैं अच्छे से पूरी पूरी दिख जाती हूँ, और चौड़े में बनाती हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीछे बैठना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं इस तरह से मोबाइल रख दी हूँ और वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बस मैं ही दिखूँ और बाकी सारा चीज़ दिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज मैं ये वाला हील्स पहन रही हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताई थी कि इसके साथ मैंने शायद वो वेयर करी थी, सूट के साथ मैं इसको पहनी थी, आज मैं साड़ी के साथ इस सैंडल को वेयर करने वाली हूँ। ये इतना अच्छा स्मेल कर रहा था ना, क्योंकि अभी न्यू हील्स है और न्यू हील्स के साथ क्या है ना, जो जहाँ से भी बन के आती है इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बस थोड़ा सा स्मेल कर ले रही हूँ, फिर तो पुरानी हो जाएगी या फिर पहनने लगूँगी तो फिर तो इस सैंडल में फिर तो मेरी ही खुशबू आने लगेगी, मतलब जिसका चप्पल उसी का आपको खुशबू आएगा ना। तो ये वाली सैंडल के साथ एक और रिक्वेस्ट आया था कि मैं सॉक्स के साथ वीडियो बनाऊँ, तो जल्द ही बनाऊँगी दोस्तों, जल्द ही बनाऊँगी। सॉक्स का रिक्वेस्ट आया था कि मैं इसके साथ सॉक्स और सैंडल पहन करके बनाऊँ, एक ने किया था कि मैं ब्लू कलर का सॉक्स जो स्कूल में पहनना जाता है वो और ये सैंडल पहनकर वीडियो बनाऊं, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे बनाने के लिए, वो भी बनाऊंगी क्योंकि जब मैं इसकी ज्वेलरी की अनबॉक्सिंग इस लुक के साथ मैंने वीडियो बनाई है तो उसमें जो लोगों के कमेंट आए हैं इस वीडियो में, मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों के क्या कमेंट आए हैं इस लुक और इस सैंडल के पर्पस। और कुछ लोगों का ये भी आया था कि मैम जब आपकी ये सैंडल पुरानी हो जाएगी ना तो मुझे दे दीजिएगा तो देखिए मेरे पास भेजने का कोई साधन नहीं है, और साधन है भी तो मैं दे नहीं सकती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ कुरियर ऑफिस है, कहाँ क्या है, मैं ये सब की जानकारी नहीं जानती हूँ, तो मैं किसी को भेजने वाला काम तो नहीं कर सकती हूँ कि मेरी ये सैंडल पुरानी हो तो मैं किसी को दूँ। चलिए हाँ एक बात और बता दूँ, इस सैंडल को पहन करके एक दिन मैं गई थी मार्केट मतलब अपने बच्चों के कपड़े वगैरह लेने, तो मेरी बेटी भी बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है तो बस उसके लिए मैं कुछ कपड़े लेने गई थी, और हम लोग को मतलब घर में पड़े पड़े 2 महीने हो गए थे, 2 महीने से मैं कहीं भी अपने हस्बैंड के साथ मतलब फैमिली ट्रिप पे हम लोग नहीं गए थे, ट्रिप करने का मतलब बस मार्केट तक की बात कर रही हूँ, बनारस तक की ही बात कर रही हूँ, मतलब 2 महीने हो गए थे, तो इधर बीच मेरे हस्बैंड खाली हुए तो मेरे बच्चे खासकर जिद करने लगे, पापा चलिए चलिए चलिए, तो फिर क्या था तो हम लोग एक दिन गए और हम लोग खाए पिए, फिर बच्चों का कपड़ा वगैरह खरीदाया, बस इतना ही शॉपिंग हुआ, उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, तो इस दौरान मैं यही वाला सैंडल पहन करके गई थी, और पहन करके गई तो एक जगह खाने गई, वहाँ पे बैठी, फिर वहाँ से खाई, खाने के बाद वापस आई, फिर मॉल में घुसी, फिर पता है इसी सैंडल को पहने मैं गई थी, अभी तो ये देखिए नई है, पहन करके मैं गई थी, और वहाँ पे जब मैं गई ना तो 3rd फ्लोर पे बच्चों का कपड़ा था, तो वहाँ गई, वहाँ पे जाने के साथ ही मेरे बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं, मेरी बेटी कह रही है मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, अब वॉशरूम ढूंढने के चक्कर में बोली कि जब नीचे थी तब तुमने क्यों नहीं बोला, नीचे भी मैं 5-10 मिनट घूमी थी तब क्यों नहीं बोली, तो फिर मैं पूछी किसी से तो उसने बोला कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, जब मैं नीचे गई थी फिर बोल रहा है कि यहाँ नहीं है, इससे थोड़ा एक ऊपर है, मतलब मैं लिफ्ट भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सीढ़ी से ही चल रही हूँ कि चलो थोड़ा सा तो सीढ़ी है, क्या लिफ्ट से जाऊँ आऊँ बच्चों को लेकर के, और लिफ्ट वगैरह भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आप लोग सोचते हो कि वाह बनारस में रह कर लिफ्ट भी यूज़ नहीं करती हूँ, अरे नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादा तो मैं सीढ़ियों से ही जा रही थी, और फिर मैं नीचे गई तो फिर मैं ऊपर आई 1st फ्लोर पे, और वहाँ पे फिर बच्चे लोग अपना वॉशरूम गए, दोनों को बोले कि दोनों जाओ, फिर एक करोगे एक परेशान करोगे, दोनों जाओ, नहीं लगा फिर भी जाओ, दोनों को बाथरूम भेजी, उसके बाद वापस फिर से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर मैं अपनी बेटी के कपड़े वगैरह पसंद किए, मेरी बेटी के साड़े कपड़े जितने हैं ना छोटे होते जा रहे हैं तो चलो उसके लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ,
और मेरी बेटी तो अपने भाई का ही जो भी उसके अब छोटे होते जा रहे हैं मेरी बेटी पहनते जा रही है, तो अब उसके उतने ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने, लेकिन फिर भी होता है ना कि लड़की है तो भाई उसका भी तो खुद का अपना कपड़ा होना चाहिए, तो उसका बिल्कुल भी नहीं था तो उसके कपड़े खरीदे। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि मुझे भी एक टी शर्ट लेना है, तो फिर उसके ऊपर फिर से गए, तो मतलब इस सैंडल को पहन करके मैं कंफर्टेबल पहनी और गई। अब आप लोग बोलोगे कि क्या वो वीडियो आएगी, तो जी नहीं, मैंने उसकी वीडियो एक भी नहीं बनाई है कि मैं वो सैंडल पहन करके गई हूँ। अचानक से प्रोग्राम बना था और अचानक से याद आया कि अरे मेरी सैंडल है, तो बस पहन ली। पहन करके जब सीढ़ियों से उतर रही थी ना, तब याद आया कि ओह मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, मुझे बना लेनी चाहिए थी, और बस रह गई वो वीडियो बनाना। काश कि अगर मैं बना लेती तो एक बन जाती कि हाँ मैंने वो सैंडल पहली बार पहन करके गई मार्केट। कार से ही बैठ करके गई थी, लेकिन थोड़ा चलना तो हो गया ना, बहुत ज़्यादा चली थी, और मतलब इस सैंडल को पहने पहने कंफर्टेबल तो बहुत था, मैं बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन क्या था ना कि इसको पहने पहने थोड़ा सा मेरा पैर में दर्द होने लगा था। लगभग 2 घंटे के बाद मेरे पैरों में हल्का दर्द होने लगा था, और लग रहा था कि अब मुझे इसको खोल करके बस बैठना चाहिए आराम से, लेकिन आराम से बैठने को कहाँ मिलता है। फिर मैंने कुछ सैंडल वगैरह वहाँ पे मैक्स मॉल में ही ट्राई किए थे, बस यूँ ही बस शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बन जाए और कुछ बन जाए तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो बस वही बना पाई। और उसके बाद फिर मैं वापस घर आई, घर आने के बाद जब मैं अपने ये वाले सभी खोलती हूँ सैंडल वगैरह, ये सैंडल खोली या फिर वहाँ पे भी ट्राई कर रही थी सैंडल खोली थी, तो जो सैंडल के निशान है ना वो पूरे के पूरे मेरे पैरों में छप गए थे, क्योंकि अभी तो ये देखिए पूरी तरह से टाइट है और ये फिटिंग ही रहेंगे तभी तो पहन पाऊँगी चल पाऊँगी, नहीं तो फिर तो क्या है कि गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सैंडल मेरे अब बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको पहन के पार्टी में जा सकती हूँ, नॉर्मल कुर्ती के साथ पहन सकती हूँ, और चाहे जैसे भी पहन सकती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसको मैं पहनूँगी भी। आपकी क्या राय है बताएं। बाय।